उड़ीसा के पुरी में लोकेटेड ये जगन्नाथ टेम्पल में जहाँ भारत के सारे मंदिरों में भगवानों की मूर्तियाँ मेटल से या स्टोन से बनाई जाती है, वहीं पुरी का भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों को भी लकड़ी से बनाया जाता है और हर 12 साल या 19 सालों में ये मूर्तियों को बदला जाता है। पुरी का जगन्नाथ टेम्पल भारत का पवित्र चार धाम में से एक हिस्सा है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम को मिला के चार धाम कहा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुई। क्या ब्रह्मपदा, जिसे भगवान कृष्ण का दिल माना जाता है, वो एक आर्क रिएक्टर है? क्यों मंदिर के ऊपर लगा हुआ चक्र आप किधर से भी देखो आपको सीधा ही दिखता है? और क्यों 12 सालों में एक बार जब मूर्तियों को बदलते हैं तो पूरे शहर का इलेक्ट्रिसिटी निकाल के अंधेरा कर दिया जाता है? चलो जानते हैं पुरी के इस मिस्ट्री के बारे में आज की इस वीडियो में। अब आते हैं पहली मिस्ट्री की ओर। पुरी का पहली और अजीब मिस्ट्री है इसका नो फ्लाइंग जोन। अब आप सोचो कि मंदिर के ऊपर से फ्लाइट्स नहीं उड़ाई जाती है तो इसमें क्या बड़ी बात है, पर यहाँ गवर्नमेंट का नो फ्लाइंग जोन नहीं, नेचर का नो फ्लाइंग जोन लगा है। कभी भी आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको पक्षियाँ उड़ती या पेड़ पे बैठी हुई दिखेंगी, पर पुरी के इस मंदिर के ऊपर से ना प्लेन्स उड़ती है या ना पक्षियाँ उड़ती है। लिटरली मंदिर के एरिया में एक पक्षी भी नहीं दिखता और आज तक कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो अब दूसरा मिस्ट्री जानते हैं। जब आप एक कपड़े को लेके हवा में रखोगे तो क्या होगा, वो हवा के डायरेक्शन में लहराएगा, पर पुरी में ऐसा नहीं होता। जगन्नाथ टेम्पल में ये पाया गया है कि शिखर पे रखा हुआ झंडा हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है, मतलब हवा का फ्लो इधर से तो झंडा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर से उड़ता है। और आज तक कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिला है कि झंडा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों उड़ता है। और झंडे से याद आया, चलो जानते हैं मिस्ट्री नंबर 3। क्या आपको पता है कि जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर लगा हुआ झंडा हर दिन बदला जाता है? हर दिन एक पुजारी इस मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं जो 46 स्टोरीज बिल्डिंग जितना होता है और झंडे को बदलते हैं। रिचुअल पिछले 1800 ईयर्स से चलते हुए आ रहे हैं और आगे भी चलेगा, क्योंकि जिस दिन ये झंडा को नहीं बदला जाएगा उसके 18 सालों तक मंदिर को बंद कर दिया जाएगा, इसीलिए इसे हर दिन बदलते हैं। पुराणों के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न सो रहे थे उनके सपने में भगवान विष्णु आए और उनसे कहा कि अंका मोहन जाके एक नील लकड़ी की तलाश करनी पड़ेगी और उसके ऊपर एक नील माधव दिखेगा और उसके लिए एक मंदिर बनाना पड़ेगा। और राजा वहां जाने के बाद ठीक उसी जगह पर उन्हें नील माधव दिखा। उसे उठाते समय राजा को एक शक्ति महसूस हुई और वो था ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का दिल माना जाता है। लेकिन फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन इसे कुछ और ही कहते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ जिसे नील माधव कहते हैं, असल में ये एक टाइप ऑफ आर्क रिएक्टर है जो एक्सट्रीम क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की फुल स्टोरी जानना है तो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप कभी भी समंदर के पास रहोगे तो आपको बस समंदर की वेव्स की आवाज ही सुनाई देती है, पर पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में ऐसा नहीं है। जब आप जगन्नाथ टेम्पल के मेन डोर से अंदर चले जाओगे तो तब आप हैरान हो जाओगे कि समंदर का आवाज आना ही बंद हो गया, जैसे कोई नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स पहना दिया हो। और जब आप डोर से बाहर आ जाओगे तो तब फिर से आपको समंदर की आवाज सुनाई देगी। इस मंदिर में हर दिन 2000 से लेकर 20 लाख तक के भक्त दर्शन करने आते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिचुअल। पर बनाया गया प्रसाद जितने भी भक्त आए हों उनको देने के लिए इनफ रहता है। यहाँ मिस्टीरियसली मंदिर क्लोज होने के टाइम सारा प्रसाद खत्म हो जाता है और थोड़ा भी प्रसाद वेस्ट नहीं जाता है। पुरी का प्रसाद ना कभी ज्यादा होता है या ना कभी कम होता है। यहाँ बनाते समय भी एक मिस्ट्री है, तो चलो उसे जानते हैं। यहाँ का प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है, लकड़ी के चूल्हे पे रख के। इनको एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रख के पकाया जाता है। आपको क्या लगता है कौन सा पहले पकेगा? ऑब्वियसली नीचे वाला, पर यहाँ उल्टा होता है, सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, एंड सो ऑन। जगन्नाथ टेम्पल की मूर्तियों को हर 12 साल में एक बार बदल दिया जाता है और नए मूर्तियों को नीम वुड से बनाया जाता है। और जिस दिन उन मूर्तियों को बदलते हैं उस दिन पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाता है और मंदिर को CRPF जवानों से घेर लिया जाता है। और सबसे मिस्टीरियस ये है कि पुराने वाले मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ जिसे भगवान श्री कृष्ण का दिल माना जाता है उसे निकाल कर नए वाले मूर्तियों में लगाया जाता है। ये रिचुअल इतना सीक्रेटली होता है कि मंदिर के कुछ पुजारी लोग ही इसे करते हैं। और माना जाता है कि जो ब्रह्म पदार्थ देखता है उसकी मौत पक्की है और आज तक इसे कोई नहीं देखा, इसीलिए मंदिर के पुजारी भी अपने आंखों पे और अपने हाथों पे कपड़े बांध लेते हैं
कुछ लोग का कहना है कि ब्रह्म पदार्थ एक आर्क रिएक्टर जैसा है और उससे निकलती हुई एनर्जी की वजह से मूर्तियां जल्दी खराब हो जाती हैं। इसीलिए हर 12 सालों में एक बार उन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। मंदिर के ऊपर लगा हुआ चक्र को आप जिस भी साइड से देखोगे वो आपकी तरफ फेस करता हुआ ही दिखेगा। और ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता। इस मंदिर को बनाने वाले इंजीनियर्स इतने स्मार्ट है कि इस मंदिर का परछाई भी नहीं आती। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो और मिस्ट्री वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। पुनीत सुपरस्टार के साथ क्या हुआ देखने के लिए यहाँ क्लिक करो।